मेरे अत्यंत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं एक विशिष्ट श्रृंखला पर कि कब किसी जातक की, किसी स्त्री की या किसी पुरुष की जन्म पत्रिका में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग होता है, और इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के जातकों के बारे में। कब उनकी लाइफ में ऐसा अवसर आ जाता है, और यदि वो इस अनैतिक संबंध से परेशान हैं तो उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान से उपाय से इस चीज़ से उबरा जा सकता है। साथियों, आज हम जिन परिस्थितियों की मकर लग्न में चर्चा करेंगे उनकी संख्या है 4। उस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना। साथियों, 5 जुलाई 2020 को है गुरु पूर्णिमा, और हमारा ये प्रयास है कि गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जन्म पत्रिकाओं से संबंधित निःशुल्क परामर्श दे सकें किसी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। इसके लिए आपको करना क्या है वो आप ध्यान से ज़रूर सुन लीजिए। यदि आपके मोबाइल फ़ोन में टिकटॉक नाम का कोई एप्लीकेशन है, जो कि एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डिलीट करते हुए आपको एक वीडियो शूट करना है। उसकी अवधि 30 सेकंड से कम होनी चाहिए, और फिर उसको शूट करके आप हमें व्हाट्सएप करें, जो कि नंबर आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। साथ ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इन तीनों की जानकारी और कोई भी एक प्रश्न आप पूछें। गुरु पूर्णिमा पर प्रसारित उस विशेष एपिसोड में हम इन सभी को शामिल करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, 30 जून 2020 मध्य रात्रि 12 बजे तक जो हमें प्राप्त हो जाएंगे उन्हीं में से हम चयन करेंगे। तो साथियों, आप इसमें बिल्कुल भी पीछे न रहें और इस सुअवसर का लाभ ज़रूर उठाएँ। आइए साथियों, अब हम आज के एपिसोड की चर्चा करते हैं, और बिना कोई देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इन चारों स्थितियों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। साथियों, जो कुंडली 10 नंबर से प्रारंभ होती है, इस स्थान पर यदि 10 नंबर लिखा है तो उसे हम कहते हैं मकर लग्न की जन्म पत्रिका। सबसे पहली स्थिति, मकर लग्न की जन्म पत्रिका में यदि सप्तम भाव में सूर्य या मंगल या चंद्रमा या शनि, इन चारों में से कोई भी 1, 2, 3 या 4 एक साथ में या अलग अलग भी हैं तो भी ये एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। इन ग्रहों की दशा में और अंतर दशा में व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना पड़ता है। सूर्य यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अष्टमेश होने से अशुभ है, हालांकि वो लग्नेश शनि का शत्रु तो है, परंतु वो प्रोफेशनल लाइफ में इतना संघर्ष व्यक्ति को नहीं देगा जितना कि पर्सनल लाइफ में वो देगा। यहाँ पर बैठा हुआ ये ग्रह व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है, और कई बार वो जोखिमपूर्ण कार्यों को भी अपने हाथ में ले लेता है। सभ्यता का एक मुखौटा ऐसा व्यक्ति पहन के रखता है, लोगों को नज़र आता है कि वो बहुत ही ईमानदार और सभ्य है, परंतु पर्सनल लाइफ की हकीकत कुछ अलग होती है। ऐसा व्यक्ति अपने पैतृक निवास स्थान में ही निवास करता है, पिता के बनाए हुए घर में, ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है। तो ये जो परिस्थिति है ये व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ज़रूर धकेलने का कार्य करती है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि लग्न में ही चंद्रमा और शुक्र की युति है और किसी न किसी प्रकार का पाप ग्रह इनको देख रहा है। इसमें मैं एक और बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लग्न में तो है ही, परंतु मकर लग्न में यदि कहीं पर भी जन्म पत्रिका में ये युति है तो भी वो व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ धकेलने का कार्य करता है। चंद्रमा सप्तमेश है, इसी कारण से वो मारक प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न करेगा, और लग्न में वो शत्रु राशि में आ गया है।
ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, मिलनसार होता है, हंसमुख होता है, जो भी उससे मिलता है वो भी उसे खुश, एक प्रकार से खुशी का दान ये करता रहता है व्यक्ति। कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा होती है और परंपराओं के विरुद्ध चलने का साहस भी ये व्यक्ति ज़रूर दिखाता है, उच्च शिक्षा भी प्राप्त ज़रूर करता है। चंद्रमा और शुक्र की दशा या अंतरदशा में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाना इनको पड़ सकता है। तीसरी स्थिति, यदि मकर लग्न की जन्म पत्रिका में दशम स्थान पर बुध, शुक्र और शनि इन तीनों की यदि युति है, बुध षष्ठेश और भाग्येश है मकर लग्न में, लग्नेश शनि का ये मित्र है, अतः ये यहाँ पर राजयोग कारक है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, वाक्पटु होगा, अपना कार्य निकालने में उसको महारत हासिल प्राप्त होती है और सरकारी नौकरी या सरकारी कार्यों को करते हुए भी ऐसे व्यक्ति को आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही यही युति उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ धकेलने का भी कार्य करती है, खास तौर पर बुध या शुक्र या शनि की दशा या अंतर दशा में। साथियों, चौथी स्थिति, यदि मकर लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में विराजमान हो, चंद्रमा इस कुंडली में सप्तमेश है इसलिए वो मारक प्रभाव में है, द्वितीय स्थान में चंद्रमा शत्रु राशि का हो गया है, धन की ऐसे व्यक्ति को कोई कमी नहीं होगी, खास तौर पर उसे स्त्रियों से भी धन की प्राप्ति होती ही रहती है। ऐसा व्यक्ति भी मृदुभाषी होता है, एक लंबी उम्र उसकी होती है, दूरदर्शी होता है, सोच समझकर निर्णय लेता है और असली उसका भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। परंतु ठीक वही बात कि यहाँ पर भी उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर चंद्रमा की दशा या अंतर दशा में। साथियों, यदि इन चारों में से कोई भी एक या अधिक स्थिति आपकी कुंडली में है और आप भी अनैतिक संबंध का शिकार हैं और 1% भी इच्छा आपके अंदर है कि उस संबंध से आप बाहर आएं, क्योंकि ऐसे संबंध जो हैं वो दाम्पत्य को तो खराब करते ही हैं, पूरे परिवार पर और ख़ास तौर पर बच्चों पर भी उसका गलत प्रभाव पड़ता है। साधारण सा उपाय आपको ये करना है कि आपका जो जन्म नक्षत्र है, उस जन्म नक्षत्र का जब भी अब दिन आता है उसी दिन से आप अमोघ शिव कवच का पाठ प्रारंभ करें, नियमित रूप से करें और चमत्कारिक रूप से 27 दिन के अंदर अंदर आप इस स्थिति में होंगे कि इस अनैतिक संबंध से आप बाहर आ सकें। साथियों, ये श्रृंखला हमारी जारी है, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कारम। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।